जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। मेरे साथ मनराज ग्रेवाल जी हैं जो इंडियन एक्सप्रेस की रेजिडेंट एडिटर हैं। मैडम, सबसे पहले वुमेन्स डे पर एक सफल कहानियां, आधी आबादी भी अब मुखर हो रही है और विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, विमेन आई थिंक आर डूइंग वेरी वेल। वो काफ़ी चैलेंजेस को पार कर चुकी हैं एंड आप देखेंगे हर ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ऊंचे लेवल तक पाई जाएंगी, राइट फ्रॉम द ग्रास रूट्स। अगर गांव में जाते हैं तो पहले तो ये होता था कि हस्बैंड सरपंच है, और या फिर वुमेन अगर रिजर्वेशन भी होती थी तो वो सिर्फ नाम के लिए होती थी, बट नाउ यू सी दे आर कमिंग ऑन देयर ओन, वो कुछ ना कुछ कर रही हैं। सो कोई भी संस्था देख लीजिए, चाहे बिजनेस देख लीजिए, एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे आपके सामने, ये 94 इयर्स ओल्ड हैं जिन्होंने अभी बेसन की बर्फी बेच के शुरू किया है। सो आई थिंक एक तो लोगों का मन, आई मीन जो वो पुरानी जो विचार थे वो बदल रहे हैं एंड वुमेन आर कमिंग इन टू देयर ओन। अब हम बात करते हैं पत्रकारिता के, आपके आने के बाद कुछ बदलाव हो रहे हैं, जो हमने देखा है कि आप उन सफल कहानियों को कहती हो, रिमोट एरियाज़ की उन कहानियों कहती है जिससे एक इंस्पायरेशन मिलती है, लेकिन कहा यह जाता है कि किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर दिल को हर रात एक बार ज़रूर पढ़ना। लेकिन जो पत्रकार जिस तरह की बातें कर रहा है और जिस तरह के न्यूज़ रूम हो रहे हैं, शोरगुल हो रहा है, क्या पत्रकार दिल पर पढ़ कर लिखता है या फिर एक एजेंडे तहत हो रहा है, इसको लेकर क्या कहें? I don't know about others, but as far as we at the Indian Express are concerned, we have no agenda. हम लोग जो पत्रकार वो है कि जो आपके सामने हो रहा है उसे बिल्कुल निरपक्ष होके उसका व्याख्यान करें। सो हमारा तो ये, एंड एज फार एज गवर्नमेंट पॉलिसी इज कंसर्न, मेरा ख्याल है कि हमें ये, हमारा ड्यूटी है कि देखिए ये तो लिखा हुआ है, ये पॉलिसी है, बट ग्रास रूट पे क्या हो रहा है, वही हो रहा है या बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है या उसके विपरीत हो रहा है। सो पत्रकारिता तो वी आर ऑल्सो कॉल्ड वॉच डॉग्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? सो हम लोग अगर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो, और कोई चीज़ गलत हो रही हो उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो फिर हमें पत्रकार, फिर तो हम रिकॉर्ड ही बना रहे हैं ना। तो आई थिंक पत्रकार एजेंडा, तो आई डोंट थिंक एजेंडा होना चाहिए, बिकॉज जो सच है उसे दिखाना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई फील। लास्ट क्वेश्चन, मनराज ग्रेवाल जी का क्या संकल्प है वुमेन्स डे पे, आप कैसे देखती हैं वुमेन्स डे को? आई थिंक एवरी डे शुड बी अ वुमेन्स डे, दैट इज़ व्हाट आई फील, एंड वुमेन डोंट नीड एनीबडी सपोर्ट, दे आर पावरफुल देमसेल्व्स। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थी मनराज ग्रेवाल जी, जो कह रही थी कि अपने आप को समझना और महिलाओं के लिए हर दिन विशेष है, वो किसी भी एक दिन की मोहताज नहीं है। तो आप बने रहें अर्थ प्रकाश टीवी के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।